हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपी स्टूडियो ब्लॉग। तो दोस्तों, हम आप लोगों को तरह तरह के ब्लॉग देते रहते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे सभी तरह के ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल आरपी स्टूडियो ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो प्लीज दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने गांव के एक ऐसे पहाड़ के बारे में दिखाने जा रहा हूं, जहां पास जानवरों का बहुत खतरनाक खौफ रहता है और वहां जानवर बहुत सारे जानवर रहते हैं। वहां इतने पत्थर हैं कि जानवर बहुत सारे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम वह पत्थर दिखाते हैं कहां पास अधिक जानवर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहे हम। तो दोस्तों, यह पत्थर है, यहाँ पास बहुत सारे जगह हैं, इसके अंदर खोल है तो बहुत यहाँ जानवर रहते हैं, जैसे शेर चीता हो गया और बहुत सारे जानवर रहते हैं। देख लीजिए, यहाँ बहुत पत्थर हैं और यहाँ इतने भारी जंगल है, हरियाली छाई हुई है, बड़े बड़े पेड़ हैं, पौधे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और जहाँ चारों तरफ देखो पत्थर ही पत्थर। यह बहुत खतरनाक स्थान है, यहाँ पास बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल में बने रहें लगातार। तो चलिए, हम एक और जगह के दिखाते हैं जहाँ जानवरों का और भी खौफ रहता है। यहाँ मतलब बहुत बड़े तो नहीं रहते जानवर, यहाँ छोटे मोटे ही रहते हैं जानवर, देख लीजिए। तो हम यहाँ सब चल दिए हैं दूसरे जगह दिखाने के लिए। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं कि वहाँ आदमी घुस जाए तो निकलना मुश्किल आसान हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चले, हम वहाँ का बहुत सारी झाड़ियाँ दिखाते हैं आप लोगों को, पेड़ पौधे भी चिन्हवाएंगे कौन किसका पेड़ है। तो चलिए, हम चलते हैं, फिलहाल पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए, हम आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए, इतने बड़ी झाड़ियां हैं यहाँ कि यहाँ आदमी अगर चला जाए तो यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी झाड़ियां हैं, हम वहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि चले जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ ढलान भी है तो लगता है कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, इसलिए। और दोस्तों, हम आपको पेड़ भी अब चिन्हवाते हैं कौन किसका पेड़ है। तो ये जो पेड़ है यहाँ पास, ये वाला, ये देख रहे हैं सामने में, ये देख लीजिए बड़ा, कितना बड़ा है, इसको देख लीजिए, इसको सेधा बोलते हैं गांव में, ये सेधा है। और चलिए, ये जो छोटा सा है, ये नीम की पत्ती है, नीम का पेड़ है छोटा सा। और चलिए और दिखाते हैं, इसको तेंदू, जिससे बीड़ी बनती है, इसी के पत्ते से बीड़ी बनती है, तेंदू पत्ता, इसी से बीड़ी बनती है दोस्तों। और ये बहुत ही इमारती लकड़ी भी है। और दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, ये इसको दूधिया बोलते हैं, इससे दूध भी निकलता है सफ़ेद सफ़ेद इसको। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह दूध इसमें निकलता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम पास में ले आकर दिखा देते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पास दूध लगा है, ये देख लीजिए सफ़ेद सफ़ेद है। तो और दोस्तों, चलिए आपको और दिखाते हैं, यहाँ भी घुसना मुश्किल है, इसमें कांटा होता है, ये इसको गुलमेहदा बोलते हैं, इसमें फल भी लगता है और फूल आता भी है, ये बहुत अच्छा लगता है तब फूल आता है। तो और चलिए और आपको दिखाते हैं, और जो ये है, ये वाला पेड़, इसको चार बोलते हैं, ये फरता भी है और इसमें से हम लोग खाते भी हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा पेड़ है, ये इसकी जो है तो लकड़ी भी होती है, पर इसकी बहुत साल तक नहीं चलती, इमारती लकड़ी उतनी नहीं है। और इसमें फल लगते हैं, इसका फल खट्टा आता है, पकने पर बहुत मीठा आता है, इससे चिरौंजी भी होती है इसकी। और दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन जरूर दबा दें। और दोस्तों, हम आपको तरह तरह के पेड़ पौधे चिन्हवाते रहते हैं। और दोस्तों, किसी दिन आपको कल या परसों
आपको चलेंगे एक पहाड़ में, बहुत बड़ा मंदिर है, वो पत्थर का ही मंदिर है एकदम से, तो वहाँ का भी नज़ारे दिखाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे सबसे पहले आपको सूचना मिले। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों ये देख लीजिए कितना बड़ा पेड़ है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।